हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ फ्यूज़ के ऑपरेशन की। सबसे पहले मैं बताऊँगा फ्यूज़ बॉक्स होता कहाँ पे, उसे लोकेट कैसे करना है, उसे ओपन कैसे करना है, फ्यूज़ ब्लो हो गया मतलब फ्यूज़ ख़राब हो गया या फ्यूज़ अच्छा है, आपका जो फीचर है फॉर एग्जांपल हॉर्न ख़राब हो गया, तो ये सब कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता दूंगा। और वीडियो के एंड में दो फ्यूज़ भी मैं आपको बता दूंगा, एक अच्छा फ्यूज़ और एक ब्लो हुआ फ्यूज़, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए फ्यूज़ देखने के बाद कि फ्यूज़ उड़ गया है या फ्यूज़ अच्छा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ फ्यूज़ बॉक्स ओपन कैसे करना है। तो जब आप ये फ्यूज़ बॉक्स देखेंगे आपको यहाँ पे एक पुश बटन दिख रहा है, ये पुश बटन को प्रेस करना है और जो हुक दिए हुए फ्यूज़ कवर पे वो हुक को तीनों तरफ से निकाल लेना है और फ्यूज़ बॉक्स जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो जब आप फ्यूज़ बॉक्स देखेंगे, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे दिख गया और फ्यूज़ का जो कवर है उसके उल्टे साइड में आपको पूरी रीडिंग दिख जाएगी जैसे आपको अभी दिख रही है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे हॉर्न का फ्यूज़ ढूंढना है, तो यहाँ पे दिख गया आपको हॉर्न लिखा हुआ। अब एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में जो यहाँ पे फ्यूज़ रहेगा वो हॉर्न का फ्यूज़ है। अब एक एग्जांपल मैं आपको फ्यूज़ दिखा के बता देता हूँ स्पेयर का फ्यूज़ कैसे मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पे मुझे स्पेयर के तीन फ्यूज़ क्लियरली दिख रहे, अब ये डिमर वाले फ्यूज़ के सामने, तो यहाँ तक मुझे पहुँचना कैसे है, तो एक इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ, आप काउंट कर लीजिए। अब ये 1 2 3 4 5 6 नीचे से लेके ऊपर तक मैंने 6 काउंट किया और 6 के बाजू वाला जो है वो स्पेयर फ्यूज़ है। तो सिमिलरली फ्यूज़ बॉक्स में मैं वैसे ही 6 काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 के सामने वाला है यहाँ पे मुझे 3 फ्यूज़ मिल गए। अब ये तीनों फ्यूज़ अलग अलग एम्पियर के, एक 10 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का और एक 25 एम्पियर का। तो होप यहाँ तक आपको समझ गया। अब मैं अंदर चलता हूँ गाड़ी में और अंदर भी जो फ्यूज़ बॉक्स है तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि गाड़ी में 2-3 फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, तो आपको जो लोकेट करना है मेरा फ्यूज़ बॉक्स कहाँ पे, तो ये देखने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो गाड़ी है उसका ओनर्स मैनुअल में फ्यूज़ सेक्शन एक बार पढ़ लीजिए, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपके गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स कहाँ कहाँ पे। तो एक फ्यूज़ बॉक्स तो मैंने इनोवा में इंजन कंपार्टमेंट में बता दिया, दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड में मतलब पैसेंजर के जो सामने ग्लव बॉक्स है उसके नीचे यहाँ पे जाने के बाद लेफ्ट के साइड पे फ्यूज़ बॉक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। होप आपको दिख रहा है, ये वाइट कलर का जो डेटा इसमें दिख रहा है आपको नंबर्स फ्यूज़ का, ये है फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है, जो अंदर डैशबोर्ड के नीचे। अब इसे ओपन करने के लिए भी आप देखेंगे इसके राइट में एक आपको यहाँ पे ग्रूव दिख रहा है, वो ग्रूव पकड़ के मैं अभी फ़िलहाल कवर निकाल देता हूँ। ये ग्रूव की मैं बात कर रहा था जिसे पकड़ के मैंने फ्यूज़ बॉक्स ओपन कर लिया है। तो अब एक एक करके मैं आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली जैसा मैंने बताया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना है, जब भी आप फ्यूज़ बॉक्स ओपन कर रहे हैं गाड़ी जो है वो बंद रहना चाहिए, चालू गाड़ी में कभी भी फ्यूज़ मत निकालिए। और जो फ्यूज़ होते हैं फ्यूज़ के ऊपर एम्पियर होता है, तो जब भी आप फ्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं तो वही एम्पियर या उसके नज़दीक के एम्पियर के फ्यूज़ से रिप्लेस करिए, हाई एम्पियर या ज़्यादा लो एम्पियर के फ्यूज़ से रिप्लेस मत करिए, ठीक है। अब फ्यूज़ उड़ता कब है मैं वो बता देता हूँ आपको, तो जब भी सर्किट में करंट का प्रेशर बढ़ जाता है फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। तो जब फ्यूज़ उड़ जाएगा आपको पता कैसे चलेगा फ्यूज़ उड़ गया, तो वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल देता हूँ जो रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेल वाला एक फ्यूज़ दिख रहा है, ठीक है, टेल, ये बेसिकली टेल लैम्प का फ्यूज़ है, तो ये किसी रीज़न से वेयर हो गया, ब्लो हो गया। तो अब ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी में जब तक आप ब्रेक प्रेस करके बटन नहीं दबाएंगे तो गाड़ी चालू नहीं होगा। अब जो ब्रेक का स्विच था जिससे टेल लैंप वाला फ्यूज़ है मैंने जो अभी दिखाया, वो फ्यूज़ ही ख़राब हो गया, तो ब्रेक जब प्रेस हो रहा है तो वो सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सेंस नहीं कर रहा है अब गाड़ी चालू नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, आपको ये फ्यूज़ जो मैंने ग्लव बॉक्स के नीचे वाला बताया यहाँ पे से टेल लैंप का फ्यूज़ निकाल के चेक करना है ये फ्यूज़ ख़राब है या फ्यूज़ अच्छा है। तो फ्यूज़ कैसे ख़राब है या अच्छा है चेक करने के लिए मेरे हाथ में फ़िलहाल दो फ्यूज़ है जो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक अच्छा फ्यूज़। तो इसके बीच में जो आप दिख रहे ये क्रोम चमक रहा है, ये वायर जैसी चीज़, ये वाला यू जो दिख रहा है यू पैटर्न में, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, मतलब ये अच्छा फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ जो है वो वायर नहीं हुआ है। तो ये केस में हमको ये समझना है कि फ्यूज़ नहीं ख़राब है, गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम है। अब दूसरा मैं आपको बता दूँ एक वायर फ्यूज़। अब ये जो फ्यूज़ है इसका जो यू का पोर्शन है नीचे से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों स्प्लिट हो गया मतलब अलग अलग हो गया है, और ये जो है ये वेयर हो गया, ख़राब हो गया, ब्लो हो गया, या सिंपल में बोलूँ तो फ्यूज़ जो है ये उड़ गया, ठीक है।
सॉरी, तो ये फ्यूज जो कि उड़ गया है, अब आपको फ्यूज रिप्लेस करना है। अब फ्यूज रिप्लेस करने के लिए आपको जो इंजन कंपार्टमेंट वाला फ्यूज बॉक्स है उसे ओपन करना है। उसमें ऊपर यहाँ पे आपको एक क्लिप दिख रही है व्हाइट कलर की, ये निकाल लेना है। इसे जब आप प्रेस करेंगे तो इसका माउथ जो है आप देख रहे हो ओपन हो सकता है। अब स्पेयर में जाके स्पेयर के फ्यूज को आपको फ्यूज बॉक्स से निकाल लेना है, और बराबर जहाँ पे आपने ये अंदर वाले फ्यूज को चेक किया, जो आपको दिख रहा है टेल लैंप का फ्यूज है, बराबर वही जगह पे काउंट करके, काउंट भी कैसे करना है मैंने बताया, आपको फ्यूज उसी जगह पे लगाना है। अगर आप गलत जगह पे भी फ्यूज लगाते हैं तो कुछ किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज अवॉइड करने के लिए काउंट कर लीजिया कर रहे कि आप कहाँ से फ्यूज निकाल रहे हैं, कौन सा फ्यूज निकाल रहे हैं, और आपको दूसरे बार फ्यूज वहीं पे लगाना है। तो दो तीन चीज का ध्यान रखना है, गाड़ी बंद रहना चाहिए, दूसरा आपको फ्यूज जब निकाल रहे हैं आप तो कहाँ से निकाल रहे हैं उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तीसरा फ्यूज वेयर हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर लीजिए। और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हॉर्न नहीं बज रहा है कोई दिन आपका, तो सबसे पहले आपको चेक करना है हॉर्न बजा के नहीं बज रहा, ठीक है। फिर हॉर्न का फ्यूज किधर है वो ढूंढना है आपको, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं हॉर्न लिखा हुआ है, हॉर्न का फ्यूज मिल गया। अब फ्यूज निकाल के आपको देख लेना, अगर ये ब्लू वाले की जैसे स्प्लिट है तो हॉर्न का फ्यूज खराब है, लेकिन अगर ये रेड वाले के जैसे स्प्लिट नहीं है, जुड़ा हुआ है, तो हॉर्न का फ्यूज नहीं खराब है, उड़ा नहीं है, यानी कि हॉर्न में कोई प्रॉब्लम होगी या किसी और वायरिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करके डू इट योरसेल्फ कर सकते हैं। और ये चेंज करने के बाद फ्यूज अगर बार बार फ्यूज उड़ रहा है तो कुछ और इशू है, आप प्लीज वर्कशॉप जाके ये सारी चीजें चेक करा लीजिए। सो होप ये वीडियो क्लियर है। अब इसमें फ्यूज के कुछ टाइप्स भी मैं बता देता हूँ, ए बी सी डी, चार टाइप के फ्यूज जो आप खुद रिप्लेस कर सकते हो, और एक ई जो लास्ट फ्यूज मैं बोल रहा हूँ ई वाला फ्यूज, इसके लिए आपको वर्कशॉप जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये नट बोल्ट मतलब बोल्ट से ये फिक्स रहते हैं फ्यूज, तो इसके लिए आपको वर्कशॉप जाके रिप्लेस कराना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ओनर्स मैनुअल में मिल जाएगी। अगेन रिक्वेस्ट है एक बार ओनर्स मैनुअल भी रीड कर लीजिए। होप ये वीडियो क्लियर है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है कमेंट करिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।